कुछ दिन पहले दरभंगा बिहार से मुझे एक फ़ोन आया, मेरे स्टूडेंट का है, वो होम्योपैथ है, और करीब करीब 10 बजे फ़ोन आया रात को कि सर मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, हमने ECG करवाया तो उन्होंने कहा हार्ट अटैक है, अब मेजर हॉस्पिटल वो ले जाने को बोल रहे हैं लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ सॉर्बिट्रेट वगैरह भी दी है लेकिन कुछ कुछ दर्द में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एकोनेट भी दिया होम्योपैथी में, सर कुछ दवा दे सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, ये दवा का नाम है लैक्टोडैक्टिस मैक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक स्पाइडर रेमेडी है जिसका नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। इसका नाम ब्लैक विडो स्पाइडर क्यों है? दोस्तों, जब भी मीटिंग होती है मेल और फीमेल की और संभव होता है और जैसे वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, खास करके तो फीमेल को पहचानना बहुत इजी है, वो ब्लैक कलर की रहती है और उसके जो बेली है उस पे उसके अब्डोमेन पे ऑरेंज कलर के स्ट्राइप्स रहते हैं। तो जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद जैसे वो इम्प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो मेल पार्टनर को खा जाती है और विडो बन जाती है, इसलिए उसका नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। खैर, तो खासियत ये है कि ये हार्ट अंजाइना के अंदर, हार्ट के पेन के अंदर, इवन हार्ट अटैक के अंदर दर्द में, जब तक एक पेशेंट घर से हॉस्पिटल तक या एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल जाना है या इवन स्पाइट की बहुत सारी दवा दे चुके हैं लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं लेता है, तब याद आती है लैक्टोडैक्टिस मैक्टेंस। खासियत यह है कि जो दर्द है वो बहुत ही गहरा दर्द होता है, डीप एंग्विश बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड ऑफ द छाती से चालू होके लेफ्ट आर्म और पूरे दोनों उंगलियों तक जाता है, शूटिंग टाइप ऑफ पेन है वो, और साथ में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वीकनेस हो जाती है और उल्टी समान लगता है लेकिन उल्टी होती नहीं है, घबराहट होती है और पेशेंट को कंटिन्यूसली दिमाग में एक ही चीज रहता है, मैं अभी मरने वाला हूँ। ये सभी सिम्टम्स थे उस पेशेंट में जिनका जिनके लड़के का मुझे फ़ोन आया था कि सर हम पिताजी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। लकीली उसके पास लैक्टोडैक्टिस मैक्टेंस थी, सही पावर भी थी, वन इम्पोर्टेंसी हमने दी थी, मैंने कहा 10-10, 15-15 मिनट के अंदर आप लेते रहिए और उसको हार्डली एक घंटे के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिला। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे और पोटेंसीज भी आप उन्हीं से पूछेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। बात कर रहे थे हम लैक्टोडैक्टिस मैक्टेंस की बात की। दोस्तों, बुखार के अंदर या इवन अंजाइना के अंदर या हार्ट अटैक के अंदर एक खासियत और भी है कि दर्द के साथ इतना भारीपन रहता है, नमनेस रहती है, ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है हमारे छाती का या वहा है ही नहीं है, बहुत नम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लैक्टोडैक्टिस मैक का, क्योंकि ऐसा दर्द लैकेसिस के अंदर भी है और लैकेसिस का दर्द जो है लेफ्ट साइड चेस्ट से चालू होके या सेंटर ऑफ द चेस्ट से चालू होके लेफ्ट एल्बो तक शूट होता है और लैक्टोडैक्टिस मैक का जो दर्द है वो पूरे उंगलियों तक जाता है। कैक्टिस का दर्द है वो सिर्फ छाती के अंदर रहता है और दर्द कम, घबराहट बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा लगता है कि जो हार्ट है उसको किसी ने जकड़ लिया हो, ये जकड़न बहुत ज्यादा है कैक्टिस के अंदर, वेरस लैक्टोडैक्टिस मैक के अंदर दर्द है। सिमिसिफोगा या एक्टर एसिमोजा जो है उसके अंदर लेफ्ट डेल्टॉइड पे, राइट डेल्टॉइड पे या लेफ्ट डेल्टॉइड के अंदर, ये जो डेल्टॉइड मतलब बाह का मसल है, वहां पर इतना खिंचाव होता है, दर्द होता है और पेशेंट हाथ पे दोनों हाथ उठा नहीं सकता या एक हाथ उठा नहीं सकता। क्रैटिकस एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा है और उसके अंदर जो पेन का पेन होता है वो छाती से लेकर पीछे तक जाता है, स्कैपुला तक जाता है, इवन लैक्टोडैक्टिस मैक का दर्द भी स्कैपुला तक जाता है लेकिन क्रैटिकस के अंदर नमनेस नहीं रहती, लैक्टोडैक्टिस के अंदर नमनेस बहुत ज़्यादा रहती है। एक दवा और एक है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये जो दवा है वो हार्ट के इन्फेक्शन में हो जाता है, यानी के लिए काम में आता है, हार्ट की जो अंदर सतह है, अंदरूनी सतह जिसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम, और बिल्कुल बाहरी सतह जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, एक झिल्ली रहती है जिसके अंदर हार्ट रहता है, अगर ये सूज जाए, इसमें सूजन आ जाए तो हम उसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं या पेरिकार्डाइटिस होते हैं, और इसके अंदर कंटिन्यूस पेन बना रहता है ये जगह पे, मतलब हार्ट और
पेट के बिल्कुल ऊपर ये जगह पे कंटिन्यूस हार्ट जैसे धड़कता है वैसे वैसे पेन बढ़ते जाता रहता है और बहुत घबराहट रहती है, ऐसा लगता है कि पत्थर रख दिया हो। ये मैग्नोलिया के अंदर है, लैक्टोडक्टिस के अंदर ये पेन सिर्फ यहाँ पर महदूद नहीं रहता, वो फैलता भी है। और एक लास्ट दवा है जिसका नाम बोलते हैं हीमोटॉक्सिलिन। हीमोटॉक्सिलिन भी बहुत अच्छी दवा है हार्ट अटैक्स के लिए भी, और उसके अंदर जो पेन है वो एक बैंड जैसा लगता है कि पूरा बैंड, मेरा पूरा छाती एक बैंड से पूरा रबर बैंड को पूरा ये कर दे और बहुत कस रहा है। ये लैक्टोडक्टिस मैक का नहीं है, बिकॉज हीमोटॉक्सिलिन दोनों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में रहता है, लैक्टोडक्टिस मैक सिर्फ लेफ्ट साइड पे रहता है। दोस्तों है तो छोटी सी दवा लेकिन जहां वो काम करती है उसका जो काम करने की क्षमता है और पावर है और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो कोई दूसरी दवा के अंदर हार्डली मिल पाती है। कोई भी प्रश्न हो लैक्टोडक्टिस मैक के बारे में तो ये वीडियो के नीचे जरूर पूछिए। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां भी आप पूछ सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, आप वहां पर जाके चयन कर सकते हैं हमारे नाम टाइप करके। और जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई रहता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618। लगे रहिए और हम इंटरेस्टिंग स्पाइडर रेमेडीज के साथ मिलेंगे। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।